गुरु कथा तुम्हारे गुरु, ऐसे हमने सुना दक्षिण भारत में ड्यूटी और उनके माता और उनकी बहन पूज्य गुरुदेव से मिलने गए जब गुरुदेव उनके शहर में आए थे। तो ड्यूटी के माता ने कहा, बेटा मैं अपने गुरु के लिए जो बना के ले जाती थी, जो जिसको चूड़ा कहते हैं, जो चावल को ऐसा पतला करके जिससे बनाते हैं, सूखा होता है, वह बना के गुरुदेव के लिए भी वो लेके आए। लेकिन वो यही कहते थे, बेटा ये तुम्हारे गुरु है, मेरे गुरु भी ये चूड़ा खाते थे, ऐसे वो कहते थे। जब वो गुरुदेव से मिलने गए तो गुरुदेव दूसरी मंजिल पे ठहरे हुए थे। गुरुदेव ने अहेतु की कृपा कर दी, वो माता जो है अकेले ही गुरुदेव के कमरे में पहुंच गए। और जब गुरुदेव के पास गए तो जिस तरह से वो अपने गुरु को खिलाते थे, वैसे उन्होंने हाथ से मुट्ठी बना के गुरु जी के हाथ में चूड़ा थमाया। गुरुदेव तो स्वयं भी खा रहे थे और साथ में अपने हाथ से उसे भी खिला रहे थे, प्रसाद के रूप में देते, तो उसके आंखों में आंसू आने लगे। जब वो घटना पूरी घटित हुई, नीचे जब आई तो अपने बेटे और अपने बेटे से कहा, यह बड़ा आश्चर्य है, जैसे मेरे गुरु खाते थे, जैसे मुझे भी खिलाते थे और मेरे पीठ थपथपाते थे, आज मैंने देखा वही गुरुदेव भी कर रहे थे, तो ये मेरे गुरु है। जब अनुभव होने लगता है तो ये पता चलता है गुरु मेरे हैं और मैं उनका हूँ। कथा के तत्व की ओर जाते हैं तो पता चलता है कि गुरु व्यष्टि भी है, समष्टि भी है, एक में अनेक भी है और अनेक में एक भी है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री श्री गुरवे।